दोस्तों आपने ऐसे कई फिल्में देखी होगी जिसमें चोर अपने परफेक्ट प्लान से ऐसे चोरियां करते हैं जो बेहद ही मुश्किल और ख़तरनाक होती है। यह देख हमें लगता है कि यह सब सिर्फ फिल्मों में ही होता है, पर असल ज़िंदगी में कुछ सही चोरियां हो चुकी है जो बहुत ही शातिर और साहसी थे। तो आप दोस्तों, हम ऐसे ही पांच साथी चोरों के बारे में बताएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। नंबर वन, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। 1963 में अंजाम दी गई इस रॉबरी को द ग्रेट ट्रेन रॉबरी के नाम से जाना जाता है। 15 लोगों की गैंग ने काफ़ी होशियारी से इस काम को अंजाम दिया। इन्होंने पैसों से भरे एक ट्रेन को नकली सिग्नल दिखाकर रुकने पर मजबूर कर दिया। ट्रेन रुकते ही चोरों ने पूरी ट्रेन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। ट्रेन पर मौजूद तकरीबन 200 करोड़ रुपये चुरा लिए और वहाँ से 9-2-11 हो गए। चोर एक दूसरे को नंबर से पुकारते थे, इसीलिए उनका नाम किसी को नहीं मालूम था। पर अगले कुछ सालों में ट्रेन में मिले फिंगरप्रिंट के आधार पर उन चोरों की पकड़ लिया गया, पर उनके पास अब वो रुपए नहीं मिल सके। नंबर टू, बैंको सेंट्रल रॉबरी। यह बैंक चोरी दुनिया की सबसे बड़ी बैंक चोरियों में शुमार है। चोरों ने बैंक के करीब ही एक जमीन खरीद ली और उस जमीन पर खुदाई शुरू कर दी। लोगों को शक न हो इसीलिए उन्होंने वहाँ एक बोर्ड लगा दिया, यहाँ हमारे कंपनी का काम चल रहा है और जो पेड़ पौधे का उत्पाद करके उन्हें बेचने का काम करती है। सोमवार की एक सुबह जब बैंक खोला गया तब जाके कर्मचारियों को पता चला कि बैंक के सारे पैसे चोरी हो चुके हैं। चोरों ने जमीन के अंदर 77 मीटर टनल बना के घुस गए थे और सारा पैसा चुके ले के चले गए। ये टनल उसी जमीन तक जाती थी जिस जगह चोरों ने खुदाई शुरू की थी। चोरों का प्लान इतना सटीक था कि उनको अब तक पता था कि अलार्म और सेंसर कैसे भेजे जाते हैं। इनके पास एक पूरी टेक्निकल टीम थी जिसकी GPS और बाकी टेक्निकल बेहतरीन ज्ञान था और इसी के दम पर उन्होंने 70 मिलियन अमेरिकन डॉलर यानी करीब 450 करोड़ रुपए चुरा लिए। अगले कुछ सालों में इनको अरेस्ट कर लिया गया पर उन पैसों में से कुछ ही पैसे पुलिस के हाथ लगे। नंबर थ्री, नॉर्थर्न बैंक रॉबरी। 2004 में उत्तरी आयरलैंड में बेलफास्ट शहर स्थित एक बैंक में से 320 करोड़ रुपए चुरा लिए गए। चोरी के एक रात पहले दो चोरों ने बैंक कर्मचारियों के घर चले गए और हथियारों के दम पर चोरों ने उनकी फैमिली को बंधक बना लिया और उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि अगर आपने वैसा ही किया जैसा हम चाहते हैं तो हम आपके परिवार को छोड़ देंगे। दूसरे दिन उन कर्मचारियों को देर तक रुकने का आदेश उन चोरों द्वारा दे दिया गया और शाम को उनके कुछ साथियों ने उस बैंक में प्रवेश कर लिया और बैंक में से 320 करोड़ रुपए चुरा लिए। पर 2004 में हुए इस चोरी को अब तक सुलझाया नहीं गया है। नंबर फोर, हैरी विंसन रॉबरी। इस रॉबरी को हैरी विंसन रॉबरी के नाम से जाना जाता है। 2007 में पेरिस के एक ज्वेलरी शॉप में चार लोग चोरी के इरादे से घुस गए जिनमें से तीन महिला के भेष में थे और जिनके पास हथियार भी था। उन्होंने इसी हथियार का डर लोगों को दिखाया और उन्हें शॉप के एक साइड जाने का इशारा किया और उन्हीं में से एक चोर ने जवाहरात और ज्वेलरी से भरा एक शोकेस तोड़ दिया और सारा माल लेके वहां से भाग गए जिनकी कीमत तकरीबन 650 करोड़ रुपए होती है। घटना के चार साल बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया पर इनके पास सिर्फ 150 करोड़ रुपए की ही ज्वेलरी बरामद की जा सकी। नंबर फाइव, पेरिस मॉडर्न आर्ट म्यूजियम रॉबरी। मई 2010 में पेरिस म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, इस म्यूजियम में दुर्लभ पेंटिंग जो कि पिकासो और मैटिस जैसे कलाकारों ने बनाई थी जिनकी कीमत 100 मिलियन यूरो यानी कि तकरीबन 800 करोड़ रुपए की थी, वो चोरी हो गई। चोर खिड़की की कांच तोड़ के अंदर चले गए थे और ये महंगी पेंटिंग चुरा ली। चोरी का पता तो तब चला जब अगले दिन म्यूजियम खोला गया। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी महंगी पेंटिंग रखे गए इस म्यूजियम में। जो अलार्म था वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ था, इसी वजह से चोरों को चोरी करने में आसानी हो गई और इन चोरों का अभी तक पता नहीं लगाया जा